हेलो दोस्तों, टेजरॉक चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेनोवो लैपटॉप का अनबॉक्सिंग बताने वाला हूँ। तो मैंने ये लैपटॉप अमेज़न से लिया हुआ है। अगर आपको ख़रीदना है तो अमेज़न का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो बेसिकली ये i7 प्रोसेसर का है और लेटेस्ट 12 जेन का है ये, ठीक है। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं रिव्यू भी बताने वाला हूँ कि कैसा क्या है ये बॉक्स। तो एकदम मस्त पैकिंग किया हुआ है और ये ऊपर वाला जो बॉक्स है वो अमेज़ॉन का है पैकिंग, और अंदर जो दूसरा बॉक्स है वो लेनोवो का है। और ये बड़ा सा पेपर है वो एक्चुअली बिल है, बहुत लंबा दिया हुआ है बिल, बहुत ज़्यादा पैसा दिया ना इसलिए बहुत लंबा बिल दे दिया। तो देख सकते हैं 82,000 में मुझे ये पड़ा है, ठीक है। मैंने 82,000 पे किया है और अभी एक्चुअली 2,000 कम हो गया अमेज़ॉन पे, तो खरीद सकते हैं। तो ये रहा बॉक्स अमेज़न का और ये है लेनोवो का बॉक्स, मस्त पैकिंग किया हुआ है ऊपर प्लास्टिक का, अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सब मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है, कौन सा मॉडल है, कहाँ का ओरिजिन है वो सब, ठीक है। 1,20,000 MRP है लेकिन इतना नहीं है, इसका 80,000 में है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है ना बहुत सही है, गेमिंग के लिए भी एक्चुअली मस्त है। तो मैंने एक्चुअली गेमिंग के लिए नहीं लिया है, मैंने जस्ट ऑफिस पर्पस के लिए लिया है। थोड़ा कुछ काम रहेगा घर पे, किधर अगर जाना रहेगा बाहर, गेमिंग सेटअप तो है घर पे डेस्कटॉप का, तो अगर लैपटॉप रहेगा तो फिर अच्छा है, किधर जा सकते हैं लेके। तो चलो खोलते हैं फटाफट इसको। इसका डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह बहुत सही है, ठीक है। मैं इसका फीचर्स बता देता हूँ अभी वन बाय वन, ठीक है। तो फीचर्स में देखने जाएंगे तो i7 है और यहाँ पे देखो राइट साइड पे ये दिया हुआ है, ऑफिस उसके साथ आ जाता है, इंस्टॉल रहता है पहले से, ठीक है। इसको चलो खोलते हैं। पैकिंग तो भाई बहुत सही दिया, क्योंकि इन लोग हैं ना कुरियर वाले, वो इधर उधर फेंकते रहते हैं बॉक्स को, तो बराबर पैकिंग होना चाहिए। थर्मोकोल वगैरह सब अंदर है, देखो ब्लैक कलर का, मतलब कुछ होएगा नहीं अगर फेंकेगे तो, वैसा गिरेगा तो, इन शॉर्ट। तो चलो देखते हैं पहला क्या है इसमें। यह है चार्जिंग केबल, और क्या है, ये भी चार्जिंग केबल का प्लग है, ये दोनों कनेक्ट करना है इसको, बाद में देखते हैं इसको। पहले लैपटॉप निकालते, मेन चीज़ है भाई जो मेन, और क्या अंदर कुछ नहीं है। तो पैकिंग तो भाई बहुत बढ़िया दिया हुआ है, थर्मोकोल वर्मोकोल सब साथ में, ठीक है। थैली में चार्जिंग केबल USB वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज वगैरह का सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस इतना डिटेल में आपको जाने का नहीं है, हम लोग को जस्ट खाली कनेक्ट करके यूज़ करना है। चार्जिंग केबल देख सकते हैं, सही है, इसको कनेक्ट करके देखते हैं जाता है कि नहीं, इसमें टेस्ट कर लेने का भाई पहले ही वीडियो में, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर रिटर्न का ऑप्शन रहता है ना अपने पास। चलो भाई जल्दी जल्दी खोलो। ये सब तो मैनुअल है, वो सब कोई पढ़ता नहीं है भाई, लैपटॉप है अभी, उसमें क्या मैनुअल देखना है। पैकिंग तो भाई एक के अंदर एक, दूसरे के अंदर तीसरा, चौथा, ऐसा एक के एक अंदर एक दिया हुआ है। ये फाइनली हम लोग का हमारा लैपटॉप निकल गया है, एकदम स्लिम है। 16.5 इंच का इसका साइज़ है, ठीक है, और फुल HD डिस्प्ले दिया हुआ है। यहाँ पे सब पोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, दो टाइप सी है और यहाँ पे HDMI है और 3.5 mm जैक था वो, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड है और USB का दो पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलो खोलते हैं। बेसिकली ये 16 GB का लैपटॉप है, 16 GB रैम दिया हुआ है इसमें। वाओ, देख सकते हैं क्या, इंटेल i7 12 जेन का है ये, ठीक है, और इसमें इंटेल का इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड भी आता है 8 GB, ठीक है। और इसमें इन लोग ने फुल HD डिस्प्ले दिया हुआ है, कैमरा भी फुल HD दिया हुआ है, जो फ्रंट पे कैमरा रहता है ना वो, ये सब उसका कीबोर्ड वगैरह देख सकते हैं। देख तो इसमें हार्ड डिस्क की बात करें तो 512 GB SSD दिया हुआ है।
ये सब यूज़र मैनुअल है, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ो वरना जाने दो। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहता, आजकल कोई पढ़ता नहीं है ये सब यूज़र मैनुअल, फॉर्मेलिटी के हिसाब से दे देते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको अभी साइड में जान दो, ठीक है, अपने अभी लैपटॉप देखते हैं। ये सब है ना एक्चुअली, वारंटी कार्ड ये वो कैसा सब आगे देखना है वो सब है, ठीक है, देखना है तो देखो वरना जाने देने का उसको। ठीक है, मेन चीज़ है ना अपना चार्जिंग केबल और लैपटॉप, ये तो भाई ये कोई पढ़ता नहीं है लंबा सा। आपने कभी पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा रहेगा तो कमेंट में ऐड करो कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, ठीक है, अगर कैमरा हम लोग को अगर ऑफ करना है, हाइड करना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको ऑन करते हैं। फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो सेटअप करने को पूछता है, ठीक है, वो सब मैं सेटअप वगैरह ज़्यादा करूँगा नहीं, इसमें पता होगा नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देख सकते हैं चार्जिंग पे लगा दिया है, लाइट दिखा रहा है रेड वाला, बढ़िया दिख रहा है, मस्त। ऑन करते हैं वापस इसको, फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है, ठीक है, वो जो ऑन करने का बटन है ना वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है, कीबोर्ड के अंदर लाइट भी दिया हुआ है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। वाह, हाथ में क्या मस्त एक्सपीरियंस आ रहा है ऐसा। तो स्टार्ट हो रहा है लेनोवो का, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, ठीक है, डोंट वरी, लंबा वीडियो नहीं जाएगा। अगर आपको ये लैपटॉप ख़रीदना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं, मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा अमेज़न से। तो देख सकते हैं विंडोज़ 11 प्री इंस्टॉल आया है पहले से, यहाँ पे हम लोग को कंट्री सेलेक्ट करना है पहले से, यूनाइटेड स्टेट्स का, भाई मैं यूनाइटेड स्टेट से नहीं हूँ, इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। इज़ दिस द राइट ओरिजिन? यस, और कीबोर्ड में भी इंग्लिश इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, वाईफाई कनेक्ट करने को बोल रहे हैं वो, चलो वाईफाई भी कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई का पासवर्ड नहीं बताऊंगा मैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्किप कर दिया मैंने क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप बोर नहीं होना चाहिए। तो हो गया है सेटअप, विंडोज़ अकाउंट मांग रहे हैं ऐड करने को, वो भी मैं डाल देते हैं, देखते हैं बाद में, ठीक है। तो ऐसे ये खोलते हैं ना इसको, तो लाइट जलती है ऐसा दिख रहे हैं आपको, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं, और ऐसा फिंगरप्रिंट से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं उसका डेस्कटॉप एकदम क्लियर क्रिस्पी, बहुत बढ़िया। चलो इसका सिस्टम वगैरह देख लेते हैं कैसा है क्या है कितना रैम है वगैरह। अगर आपको सिस्टम वगैरह चेक करना है तो माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं i7 और 12 जेन का i7 है, 16 GB रैम है, 64 बिट का विंडोज़ इंस्टॉल है, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो CPU देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर 10 कोर्स दिया हुआ है और 12 प्रोसेसर्स हैं, 16 GB रैम है जिसमें 15.7 यूजेबल है, और GPU देख सकते हैं इंटेल का जो इनबिल्ड आता है वो 8 GB का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.9 यूजेबल है उसका, मतलब ग्राफिक्स का डालने की ज़रूरत नहीं, 8 GB का इंटेल का आता ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर रात को अगर आपको काम करना है लैपटॉप पे तो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर पहले से लाइट दिया हुआ है, सो आपको ट्यूब लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है घर पे, ठीक है, और रात को बहुत मस्त लगता है देखो कीबोर्ड में। और यहाँ पे अगर कीबोर्ड का लाइट ऑफ करना है तो यहाँ पे फंक्शन और ये स्पेस दबाना है, बंद हो जाएगा, वापस सेम की प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, ठीक है, प्लस वापिस और एक बार करेंगे ना तो लाइट का ब्राइटनेस और ज़्यादा हो जाएगा, देख सकते हैं रात को, देखो कैसा दिख रहा है, ये मस्त एक नंबर दिख रहा है।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप ये चैनल पे नए हो। थैंक यू, बाय।